दोस्तों, आपका एम एस चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फेविकन। टॉपिक हमारा क्लीनिंग का होता है, गारमेंट क्लीनिंग का। तो गारमेंट क्लीनिंग के अंदर कलर का बहुत बड़ा महत्व है। और कलर का गारमेंट क्लीनिंग में क्या कि हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन में कलर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जैसे हम वाइट गारमेंट और कलर गारमेंट, मान लो एक ही कंपनी के हमने दो गारमेंट, मान लो दो पैंटें ली है एक ही कंपनी की, एक वाइट है और एक ब्लैक है या कोई भी कलर में है। अब क्या है कि उसको वॉश करने के लिए, वाइट को वॉश करने के लिए हम दुनिया भर के उसमें साधन, उपसाधन, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपनी क्षमता से भी अधिक कोशिश करते हैं कि उसको मेहनत से साफ किया जाए। और उसी तरह जो हमारे गारमेंट होते हैं जो कि कलर में हैं, उसको थोड़ा सॉफ्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भेदभाव हो जाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और ये दो चार का नहीं, ये मतलब 99% सोच ही ऐसी होती है कि जो कलर गारमेंट होते हैं, कलर गारमेंट पे इतनी ध्यान, इतनी मेहनत नहीं की जाती जितना वाइट पे या लाइट कलर के ऊपर की जाती है। कि मान लो एक तो वाइट गारमेंट जो गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा सा भी दाग दिखाई देगा, और जो कलर गारमेंट होते हैं उसके ऊपर नहीं दिखाई देता। लेकिन कपड़े की जो एज है उसके लिए दोनों को वॉश करना, क्लीन करना और उसको न्यूट्रल करना। जैसे हम वाइट गारमेंट को अपने मान लो हाइपो, ब्लीच, रंग कार्ड, उसमें ऑप्टिकल वाइटनर, सोडा वगैरह करके उसको चमका के हमने साफ किया है। लेकिन कलर गारमेंट को हम वहाँ पे भेदभाव करते हैं उससे, कि जो उसका बचा हुआ, वाइट का बचा हुआ जो साबुन सारा जो भी बचा हुआ उसके अंदर खंगाल देते हैं, क्योंकि वो बेचारा ज़्यादा मांगता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम उस फैब्रिक में दिखाई देंगे, वहाँ पे नहीं तो हमारे शरीर में, जहाँ हम उसको दान करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक न्यूट्रल नहीं होगा। क्योंकि कलर गारमेंट में भी हमें उतनी ही मेहनत करनी है। मान लो हम वाइट गारमेंट में 20 मिनट खर्च करते हैं एक गारमेंट्स के ऊपर, तो कम से कम 10 मिनट तो करेंगे कलर गारमेंट पे। क्योंकि यह क्या है कि जब तक आप क्वालिटी को पढ़ के नहीं चलेंगे, क्वालिटी इज मस्ट, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जिसने क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर लिया, इसका मतलब कि वो क्या लीपा पोती, यानी कि वो सक्सेस नहीं होता। हम किसी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जो आत्मा के अंदर यानी हर एक विश्व में जो भी प्राणी है, सबके अंदर ऊपर वाले ने जो आत्मा दी है, जो क्योंकि उससे हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। औरों को तो हम झूठ बोल देंगे, बड़ी मेहनत की है हमने, दुनिया भर के आम ताम झाम किए हैं, लेकिन खुद से उसमें क्या कि हमारी माता बहनें और कोई भी कहीं भी घर में, लॉन्ड्री में, बड़े बड़े जो ड्राई क्लीनर है, सब जगह यही होता है कि जो कलर गारमेंट्स है उसको लाइटली लेते हैं, हम उस पर इतनी मेहनत नहीं करते, जबकि हमें उसको भी उसी हिसाब से उसे टैकल करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए जिस तरह हम वाइट गारमेंट या लाइट गारमेंट को करते हैं। तो इसमें क्या कि मान लो हमने वाइट गारमेंट को करने के लिए उसमें हाइपो ब्लीच यानी क्लोरीन यूज़ किया है, उसके बाद उस पर रंग कार्ड यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट किया है, और उसके बाद उसको अच्छे डिटर्जेंट के साथ में, सोडे के साथ में हमने उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद उसमें ऑप्टिकल वाइटनर उसमें यूज़ किए हैं। तो उसी तरह हमारे जो ब्लैक गारमेंट या कलर गारमेंट होते हैं उसको किया कि नोनानिक
नॉन कास्टिक लिक्विड डिटर्जेंट में उसको वॉश करें, क्योंकि जो हमारा कलर गारमेंट होता है, कलर गारमेंट के अंदर सोडा किसी टाइप का भी, उसमें मीठा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमारा जो मीठा सोडा है उसको थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति होने पे, अगर मान लो जरूरत है तो, अन्यथा जो हमारे यानी विदाउट बिना सोडे के NID वगैरह इस टाइप के EG जेंटिल या जो भी शैम्पू बेस वो यूज़ किया जाए और हल्का सा पानी गुनगुना कर लिया जाए, वो कपड़े के नेचर के हिसाब से होता है, तो उसको वॉश किया जाए। वॉश करने के बाद में अच्छी तरह उसमें ब्रशिंग करें कि जहाँ पे गंदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गंदा तो जो कलर गारमेंट है वो भी होता है, वाइट में दिखाई दे जाता है, कलर में दिखाई देता, लेकिन क्या कि वो हमारी त्वचा को जब पहनते हैं, जो भी उसको धारण करेगा उसके साइड इफ़ेक्ट उसमें दिखाई देंगे, तो उसको क्या कि आप उसको अच्छी तरह डिटर्जेंट में यानी डिटर्जेंट में निकालने के बाद अच्छी तरह उसको आप खंगालें, खंगालने के बाद में एस्टिक एसिड ज़रूर करें। तो हमारे उसमें एसिड की आती है कि एसिड हमारे उसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है इसमें कार्बनिक और एक अकार्बनिक, दो होते हैं, खनिज में होते हैं, जैसे खनिज अकार्बनिक अम्ल यानी इसका मिनरल इनोगेनिक एसिड ये है, यानी जैविक अम्ल उसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें 14-15 एसिड होते हैं, जिससे हम कपड़ों को, क्योंकि एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है गारमेंट क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इसमें केमिकल में क्या होता है कि जो हमारे इसमें हम क्या है कि हमारा जो हिसाब होता है कि इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा वॉशिंग और एक होता है फिनिशिंग, दोनों में केमिकल होते हैं। जैसे फिनिशिंग के अंदर हमारे ज़्यादा मतलब 30-35 केमिकल हैं फिनिशिंग के, जो अमाइल सॉल्वेंट वगैरह है जो इस टाइप के हैं वो सब हमारे जो इसमें फिनिशिंग में आते हैं, और इसके अंदर सिलिकॉन शॉर्पनर या फिक्सर वगैरह ये हमारे 20-22 केमिकल है, ये हमारे वॉशिंग में आते हैं। इसमें फिक्सर है, इसमें इंजाइम वगैरह, बायोपॉलिश या इसके अंदर जो सिलिकॉन वगैरह जो हमारे वॉशिंग में आते हैं। तो क्या कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसी तरह हमारे जो एसिड होते हैं तो इसमें अकार्बनिक जो है यानी खनिज अकार्बनिक जो है यानी एनोग्रेनिक जो एसिड है तो हमारे उसमें 17 के आसपास है, उसके अंदर आ जाता है फिर दूसरा जो हमारा कार्बनिक एसिड यानी जिसको हम एक तरह का सरल भाषा में समझते हैं यानी ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं यानी जो कह रहे हैं कार्बनिक अम्ल है उसमें हमारा जो एस्टिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड है, इसमें ऑब्जोलिक एसिड, यूरिक एसिड यानी 7-8 के एसिड होते हैं। तो क्या है कि ये जो एसिड होते हैं ये किसी ना किसी फलों के रस, जो फलों के रस उससे ये बनाए जाते हैं। तो क्या है कि इसमें जैसे फिट करी है, क्योंकि एसिड क्या होता है कि एसिड जो है, एसिड यानी अमल है, अमल खटास लिए होता है यानी खटास पे जो भी हमारे तेजाब होते हैं सब खट्टापन होता है सब में, और वहाँ पे जो एल्कली है यानी सोडा है, सोडा कड़वा यानी कसैला होता है। तो हम ये टिस्मस यानी pH पेपर हमारा जो होता है, ये जो pH पेपर है, तो इस pH पेपर से नापते हैं कि इसमें जो हमारे एसिड हैं जितने भी हैं, अमल है, अमल का जो मान दंड होता है वो होता है 7 pH के आसपास यानी 7 से कम होता है। तो क्या है कि जब हम इस लिटमस को यानी उसको लिटमस पेपर भी बोलते हैं और इसको pH पेपर भी बोलते हैं, तो क्या है जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो ये लाल रंग पे चला जाता है या रेडिश पे आ जाएगा, जब हम
इसको किसी भी एल्कली के अंदर डालेंगे, यानी सोडा बेस में डालेंगे, शार में डालेंगे, तो ये नीला हो जाएगा। ये इसका एक वो होता है। तो उसी तरह हमारा जो फिटकरी होती है यानी एल्म होता है, चखने में खटास है, लेकिन वो दोस्तों वो अमल नहीं है, वो अमल नहीं है, लेकिन अमल ना होते हुए तब भी वो शार को काटने की यानी उसको समाप्त करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल ऐसे है जैसे महाभारत में जो बाबरिक थे, बाबरिक एक बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने कहा कि मैं उस साइड में जाऊंगा जो भी दल हारेगा। तो ये जो फिटकरी है, फिटकरी एक तरह का वरदान है कपड़ा क्लीनिंग के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कपड़ों के साथ भेदभाव ना करें, क्योंकि जो कलर है ना, कलर का अपना अलग महत्व है। कि जैसे हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जब मान लो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं, तो डॉक्टर ग्रीन कलर के गारमेंट्स पहनता है, यानी पूरा जो उसे मास्क होगा, कैप होगा, गाउन होगा, सारा या तो वो ग्रीन कलर का होगा या लाइट ब्लू कलर का होगा। वो पर्दे भी उसमें वो ही होंगे, उसमें जो सफ़ेदी है वो भी उसमें ऐसी होगी, यानी पेंट वगैरह वो ग्रीन होगा या एक तरह का लाइट ब्लू होगा। इससे क्या है कि एक तरह का ये कलर है मन को संतुष्टि देता है, यानी मन को स्थिर रखता है। तो उसी तरह कि जो भी हम मान लो गारमेंट को करते हैं, तो गारमेंट को करने का एक धैर्य होना चाहिए कि हमें भाई ऐसा है कि हम, क्योंकि हमारा काम है क्लीनिंग का, हमें भेदभाव नहीं करना कि अपना महत्व है कपड़ों का। क्योंकि क्या है कि भाई जो नेता लोग हैं वाइट कपड़े पहनते हैं, और जो बिल्कुल कहते हैं ना आजकल के टशन वाले हैं वो ब्लैक कपड़े पहनते हैं, तो ब्लैक पहनते हैं या उसमें डायनम वगैरह की ब्लू इस टाइप की जो पहनते हैं। तो क्या है कि इसमें महत्व है, लेकिन क्या है कि जब हमारा क्लीनिंग का काम है, हम क्लीनिंग के काम में भेदभाव नहीं कर सकते। हमें क्या है कि हर एक चीज़ को सबसे पहले अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को शुद्ध करने के बाद ही हम किसी क्लीनिंग की बात को आगे लेके जा सकते हैं। बाकी लीपा पोती के तो ये है कि भाई टाइम पास करना है कि ग्राहक ने पैसे कम दिए हैं, ज़्यादा दिए हैं। इसमें क्या है कि कपड़े को करने के लिए अगर आप आशिक मिजाज के हैं, तो ये सोचें आपकी जो माशूका है उसकी गारमेंट्स है, उसकी ड्रेस है, उस हिसाब से करें। शादी आपकी हुई है, नहीं नहीं ससुराल जा रहे हैं, किस ससुराल जा रहे हैं, सालियों से मिलना है, कपड़े पहन के जाने हैं, उन कपड़ों को रगड़ रगड़ के धोते हैं, ये सोच के करें। तो क्या कि अगर ईश्वर से प्यार करते हैं, तो ये सोचें कि हम उस ईश्वर जिससे प्यार करते हैं, कृष्ण जी, राम जी, जिनसे करते हैं, उनकी ड्रेस हैं उनके, क्योंकि ये क्या एक सोच के ऊपर ही क्लीनिंग का काम है। क्लीनिंग से बढ़ तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम साफ सफाई का काम ही कर रहे हैं, तो वहाँ गंदगी नाम की चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। और गंदगी क्या है कि जब हम भेदभाव करते हैं, सबसे बड़ा गंद यही है कि आपने किससे पैसे लिए, किससे नहीं लिए, कम लिए, ज़्यादा लिए। लेकिन जब आपके हाथ में जो काम आएगा, वो काम एक ईश्वर की एक की नियामत है, ईश्वर की दी हुई एक, यानी उसको आपको 100% ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उसको, बाकी केमिकल के चक्कर में ना पड़े। केमिकल का क्या है कि उसमें क्या है कि जैसे हम महंगे महंगे केमिकल यूज़ करते हैं, उसमें दुनिया भर के केमिकल, वो उसी तरह महंगे महंगे, उसमें क्या कि हमारा अमोनिया एसिड है, अमोनिया जो केमिकल है उसकी पैकिंग सबसे अलग है, बाकी में कैप होता है फलान ढिकान दुनिया भर का। लेकिन इसकी एक तो कलर रेड कलर का होगा जो इसकी शीशी होगी, और सबसे कम रेट है, और दूसरा इसकी जो पैकिंग है, इस सब के ऊपर ढक्कन होगा, इसके ऊपर कार्क लगा होगा, कार्क होगा, ऊपर तार बंधा होगा, उससे पता लग जाएगा ये डेंजर है। डेंजर क्या, अमोनिया गैसीय रसायन है,
यानी गैस गैस से। और क्या कि ये भी बिल्कुल अनोखा है तो लिक्विड, और ये कपड़ों में काम वो करता है, ये एल्कली है, लेकिन ये काम वो करता है जो हमारा एसिड करता है, एसिड वाले, यानी जो काम किसी के बस का ना हो वो अमोनिया करेगा। कि अमोनिया का क्या कि जब हम हल्दी के दाग पे किसी भी क्षार को यानी एल्कली को साबुन सोडा सर्फ लगाते हैं तो वो लाल कलर का हो जाता है, लेकिन अमोनिया में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है, उसको साफ तो करेगा लेकिन उसको वो रेड नहीं होने देगा, वो जहाँ जो कलर है उसी को रखेगा। इससे इसकी क्षमता का, इसकी ताकत का एहसास हो जाता है कि ये बहुत बड़ा गुणकारी है। और हम सोचते क्या है कि सस्ता सा केमिकल है वो सकल सूरत से ऐसे, लेकिन क्या है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जब इसको आप यूज़ करने लगोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी इसको यूज़ करने की। लेकिन क्या कि ऐसे केमिकल को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। मेरे पास तो लैब है और लैब में एक टाइम वो आ गया था कि 1800 से अधिक केमिकल हो चुके थे, लेकिन क्या है कि बच्चों का घर है और ये छोटा सा केमिकल रूम है मेरा, जो लैब है छोटा सा है, तो उसमें क्या है कि जब हम उसमें काम करते हैं तो उसमें बंद करके, क्योंकि पहले दो कमरे हैं, उसके बाद आंगन है, उसके बाद वो एक तरह का रूम है छोटा सा, या रूम क्या, वो एक तरह का किचन है, किचन के अंदर बना रखा है। तो क्या है कि ज़्यादा केमिकल थे, आज आस्ता वो केमिकल कम किए हैं, अभी 700 के आसपास केमिकल उसके अंदर हैं। तो क्या है कि केमिकल के पीछे नहीं भागना, क्योंकि जो इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री की बात अलग है, क्योंकि वहाँ डेली की 15 से 20 हज़ार पीस हमें पैक करने पड़ते हैं, और वहाँ की ऑप्शन नहीं है, करना है तो करना है, इमीडिएट करना है, यानी कि 2 मिनट बाद इसी क्षण चाहिए इमीडिएट, क्योंकि एक एक मिनट का कि जो हमारी जो टाइम से नहीं जाएगी, जो बाई सी जा रही है बाहर के खर्चे से, और वो लेट हो जाएगी तो बाई एयर हो जाएगी वो हमारे खर्चे से, तो कहते हैं ना एयर ना हो जाए, इसलिए हमें उसको वो पूरी ताकत पूरे इष्ट मदर सब कुछ तन मन धन सब कुछ झोंक के हम इसको, लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि क्वालिटी अगर बिगड़ी तो आगे से ऑर्डर नहीं आएंगे, वो उसके ऊपर डेबिट पड़ सकता है, और डेबिट पड़ने का मतलब समझते हो, एक तो ख्याति खराब होती है, कंपनी का नाम खराब होता है, और दूसरा आने वाले टाइम में एक संकट पैदा हो जाता है उस कंपनी के ऊपर, क्योंकि क्वालिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्वालिटी को पकड़ के चले। तो हमारे इसमें जो भी हमारी माता बहनें हमारे भाई हमारे बच्चे हैं कि उनसे बिल्कुल रिस्पेक्ट है कि जो भी काम करें बिल्कुल क्वालिटी को बना के रखें, क्वालिटी को बिल्कुल टस से मस ना होने दें, क्योंकि क्या कि कस्टमर एक नाम क्या होता है कि नाम तभी होता है जब कि हाँ उस दुकान पे ये कपड़ा साफ साफ करने को तो कोई भी कर देता है, लेकिन पहनने का जो एहसास होता है कि आपने गारमेंट्स किया और गारमेंट में हल्का सा आपने मान लो एस्टिक एसिड कर दिया उसमें, और क्या कि कपड़े में शाइनिंग भी आएगी, कपड़े में एक तरह का जो शरीर से टच होगा एक सुखद एहसास होगा, तो उसी तरह हल्का सा, कुछ कपड़े बहुत हार्ड होते हैं, हल्का सा उसमें सिलिकॉन या शॉर्पनर लगा दें, ज़्यादा महंगे नहीं आते, ये थोड़ा सा दिल को समझाने की बात है कि जहाँ हमें 50 रुपये बच रहे हैं वहाँ हमें 45 बच जाएंगे, और जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो ये हमारी एक आदत में शुमार हो जाता है। तो क्या कि क्वालिटी जब आप बना के चलेंगे तो आपके आसपास जितनी भी दुकानें हो कंपटीशन किसी से ना करें, कंपटीशन खुद से करें, क्योंकि सबसे बड़ा कंपटीटर आपके अंदर बैठा है, उसको जगाएं कि क्वालिटी से ही मुझे काम करना है, क्वालिटी के बिना मुझे कुछ नहीं करना। कस्टमर
कि आपने 100 रुपये मांगे, उसने कहा जी मैं 90 रुपये दूंगा, लेकिन आप 10 रुपये को भूल जाएं, आपको क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों, कि कपड़ा वाइट हो या कलर हो, पूरी मेहनत के साथ में करें और ज़्यादा फर्क नहीं होता, कि थोड़ा सा दिल समझाने की बात है, लेकिन अगर आप क्वालिटी के साथ में इसी तरह चलेंगे, गुणवत्ता के साथ में, तो आपकी सोच सार्थक होगी और ऊपर वाला भी, कहते हैं ना मेहरबान, कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, वो ये भी एक कहते हैं ना इबादत है, पूजा है, कि जो काम है कि ऊपर वाले की दी हुई हमारे एक ये रहमत है, तो इसको हम बिल्कुल सर आँखों पे लें और इसको पूरी मेहनत निष्ठा ईमानदारी के साथ में करें। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।